तो तुम यूएस जा रही हो? कानपुर जाने के लिए नहीं लगवाया वीजा। आज हम बात करने वाले हैं कभी कभी इत्तेफाक से की बारे में। इस बेचारे पे क्यों नाराज हो रहा है तू? इस शो की स्टार्टिंग एज ए लाइट हार्टेड ड्रामा हुई थी, जो कि मुझे कुछ खास स्टोरी पसंद थी, बट घर वाले देखते थे तो देख लेती थी। अरे हाय 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 मजबूरी। लेकिन कुछ समय पश्चात इस शो ने जो अपनी असली जात पात और औकात दिखाई है ना, उसको देखने के बाद बस मन में एक ही बात आती है, ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। और यार आपको पता है इस शो की सबसे ज्यादा कमाल की बात क्या है? इस शो की इतनी टट्टेस्ट भी इनकी खुद की नहीं है यार। ये शो रीमेक है एक बांग्ला शो को भावना समझ लेना मेरी, खोरो खोकोगट्टी से। और पता नहीं यार इन लोगों को इस खोरो बांग्ला शो में पता नहीं क्या पसंद आया कि इन्होंने अनुपमा की तरह इसका रीमेक हर भाषा में बना दिया है, जैसे कि तमिल, मराठी, मलयालम, कन्नड़ एंड ऑब्वियसली हिंदी में भी। अब अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको कोई अता पता नहीं है शो के बारे में, कितने लकी लोग हैं। आपके ज्ञान वृद्धि हेतु मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये शो इतना ज्यादा पॉपुलर है कि ट्विटर पे इसके फैंस हैशटैग अनुगुन पे जाके अपनी मन की दुविधा और मन की व्यथा लिखा करते हैं। हैशटैग अनुगुन का एटीट्यूड, ओह माय गॉड, दोनों हस्बैंड वाइफ का सिंपल फंडा है। सीधी बात, नो बकवास, ओनली वन हैशटैग अनुगुन। टोंटिस मियां रोमांस कर रहे थे, लड़की हंसती है। कुछ भी। अब आप सोच रहे होंगे यार यशी शो में कुछ दम होगा तभी तो इतने ज्यादा फैंस हैं इसके। नहीं। इस शो में है एक दिमाग का दही कर देने वाले बड़े पापा, जिनके पास एवेंजर्स की तरह एक कमाल की सुपर पावर है कि जब लोग इनकी बात नहीं मानते हैं तो ये कहते हैं, लेकिन बड़े पापा आप मेरी बात तो सुनिए, ये हम बड़े बात कर रहे हैं ना। When elder get cozy, younger don't put nose in. गजब तू भी आ जाती। इस शो में है एक नल्ला बॉयफ्रेंड, जिसको अपनी गर्लफ्रेंड और उसके पति की जिंदगी झंड करने के अलावा कोई दूसरा काम धंधा है ही नहीं। He is like that typical villain in every serial. Guys, मैं आता हूँ। इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? अगर अनुभव बच गया तो वो मेरा नाम उकल देगा। वक्त का सही उपयोग, घंटे का पूर्ण इस्तेमाल कोई इनसे सीखे। इस शो में बताया गया है कि अगर आपकी होने वाली बहू को ऑलरेडी ही एक बॉयफ्रेंड हो तो आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। साफ साफ कहना, तुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तेरी होने वाली वाइफ का बॉयफ्रेंड भी है। मुझे क्या किसी को भी बर्दाश्त नहीं होगा चाचू? सही पकड़े हैं। और सबसे कमाल की बात, दिस शो प्रमोट्स बाय गैमी। कुछ समय पश्चात विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। गुनगुन के मांग पे लाल लाल क्या है? होली खेल के आई है क्या? होली का रंग सिर्फ मांग में होगा क्या? वो सिंदूर है। बकवास। तो चलिए शुरू करते हैं कभी कभी इस्तेफाक से की सरदर्द से भरी कहानी का सिलसिला। कभी कभी इस्तेफाक से में गुनगुन जो मॉडर्न इंडिपेंडेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। हाय, कौन ये सस्ता नशा करके नॉलेज पैनल लिखता है? पता नहीं। एनीवेज, तो गुनगुन के बीए के एग्जाम में फेल होने के बाद, लाइक एनी अदर इंडियन गर्ल, शी हैज ओनली वन थिंग टू डू नाउ, शादी। और गुनगुन के पापा कुलश्रेष्ठ टास्क के यहाँ अनुभव नाम के बंदे से जबरदस्ती शादी तय कर देते हैं। और अनुभव शादी से मना करने लगता है, तभी उसके बड़े पापा जो अपेरेंटली बहुत बड़े वाले हैं, वो अपनी सुपर पावर्स यूज करते हैं। लेकिन बड़े पापा आप मेरी बात तो सुनिए, ये हम बड़े बात कर रहे हैं ना। लेकिन तभी गुनगुन की अमरीकी मम्मी माया और उसकी कजन आकृति मिलकर के गुनगुन और अनुभव की शादी तुड़वा देते हैं। और तभी अनुभव के बड़े पापा जो इवेंचुअली बहुत ही बड़े वाले हैं, वो अपनी सुपर पावर्स यूज करके अनुभव को आकृति से शादी करने के लिए मजबूर कर देती हैं। हम बड़े बात कर रहे हैं ना। लेकिन शादी से जस्ट पहले अनुभव गुनगुन को उसी गंदे बॉयफ्रेंड से बचाने के लिए उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। ये कैसा बचाना है बे? और गुनगुन से शादी करने के बाद वापस आकर के आकृति से भी शादी कर लेता है। वाह वाह रे मेरे मैन ऑफ ट्रेडिशन, कौन सा सस्ता नशा करके इस नॉलेज पैन को लिखा है यार, और किसने लिखा है? शर्म आनी चाहिए आपको। उसके बाद अनुभव आकृति को इग्नोर मार करके गुनगुन के साथ हनीमून मनाने मुंबई चला जाता है। और वहाँ गुनगुन का नल्ला बॉयफ्रेंड अनुभव की सुपारी कुछ चोमू से आतंकवादियों को दे देता है। और तभी इन सब मारामारी में अनुभव को गोली लग जाती है।
शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और आकृति छोटे पापा और बड़े पापा जो अपेरेंटली बहुत ही बड़े वाले हैं, वहाँ आकर हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। लिटरली माई फादर एवरी टाइम आई ट्राई टू एक्सप्लेन हिम समथिंग, हमें ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। खैर, गुनगुन अपने सच्चे प्यार के लिए पूरा साज श्रृंगार करके मंदिर जाती है। मतलब पति आपका ऑपरेशन थिएटर में है और इनके पास इतना वेला टाइम है कि पूरा साज श्रृंगार करके मंदिर जा रही है। इतना तो बहन हम लोग पार्टी में मेकअप नहीं करते हैं। और फिर अपनी बीवी की असीम तपस्या से अनुभव ठीक हो जाता है और अब इस शो में मैरिज ट्रायंगल चल रहा है जहाँ दोनों ही बनिया कह रही है मेरा पति मेरा पति। मुझे तो ये समझ नहीं आता है कि ऐसा क्या देख लिया इन दोनों लड़कियों ने जो इसके पीछे पगला रही है। मतलब अनुभव दोनों से ठीक से बिहेव नहीं करता है, बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है, दोनों ही लड़कियों पे चीट करता है और जब दोनों लड़ाई कर रही होती है सिर्फ साइड में खड़ा होकर के तमाशा देख रहा होता है। और तो और शादी के बाद आकृति को सच बताने के बजाय इग्नोर मार करके गुनगुन के साथ मजे काट रहा होता है। ऐसे बंदे को तो मंगल ग्रह की एलियंस भी ना पसंद करे, पता नहीं कौन से ग्रह की लड़कियां हैं। खैर यार, मुझे तो उन 79% लोगों से मिलना है जिनको ये शो अच्छा लगता है। और आपको इस शो की सबसे ज्यादा कमाल की बात पता है जिसने मुझे इतना ज्यादा मोटिवेट किया इस पे वीडियो बनाने के लिए? वो है कि जब से इस शो ने धोबी वाला कॉन्सेप्ट और रोना धोना ऐड किया है, इस शो की टीआरपी दिन पर दिन बढ़ती ही चली जा रही है। ये शो करता है हम इंडियंस की मेंटालिटी, क्योंकि शायद हम अच्छे शोज डिजर्व ही नहीं करते हैं, क्योंकि ना हम उन अच्छे शोज को देखेंगे और ना ही कभी उनको सपोर्ट करेंगे। खैर, अगर आपके पास बहुत वेला टाइम है तो आप इस शो के स्टार्टिंग के एपिसोड देख सकते हैं, क्योंकि वो इतने वाहियात नहीं थे जितना ये शो अभी हो चुका है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट से मुझे इसी तरीके के या इससे भी घटिया कुछ शोज बताना। और तब तक के लिए, मेरी जिंदगी में जब भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो मैं कहती हूँ ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है भाभी, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा। बड़ा हरामी हो बेटा।